अमावस्या के दिन आपको लगता है कुछ ना कुछ तकलीफें लग रही है तो एक पीपल का पत्ता ले लो, उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा ले लो, सारे घर में घुमाकर उसको दरवाजे के बीच मध्य में जलाकर रख दीजिए, थोड़ी सी देर जला दीजिए। 20 से 25 मिनट के अंदर स्वयं गुरु बाबा कहते हैं, राम सुनो, यदि कोई आरती में पूजन में घर में एक कपूर का टुकड़ा आरती के बाद में जब समर्पित करेगा तो उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को पाने के लिए कपूर का टुकड़ा आज भी आरती में जलाया जाए, आज भी एक कपूर का टुकड़ा सुख का। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है महाराज, जब आपको घर में अगर ऐसा लगने लगे कि 15 दिन से बहुत बेचैनी है, बहुत दुख तकलीफ लग रही है, कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, कुछ ना कुछ तकलीफें लग रही है, तो एक पीपल का पत्ता ले लो, उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा ले लो, सारे घर में घुमाकर उसको दरवाजे के बीच मध्य में जलाकर रख दीजिए, थोड़ी सी देर जला दीजिए। 20 से 25 मिनट के अंदर मकान में एनर्जी वापस आ जाएगी, उस भवन में एनर्जी वापस प्राप्त हो जाएगी। अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देव अधिदेव महादेव को साथ स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है, मैना धन्य और कला की कथा कह रही है, तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा, चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है, वो चंदन है। 7 स्थान शिवलिंग के बताए हैं, जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। 7 स्थान, और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए हैं, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन, समझ लेना जरा बहुत अच्छे से, आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है, बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कन कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। 7 स्थान चंदन के बताएं महाराज, पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको, जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको, जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं, शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा सदानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और सातवां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो दो सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है, या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देव अधिदेव महादेव को साथ स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहां पर वर्णन कर रही है, मैना धन्य और कला की कथा कह रही है,
तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा। चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है, वो चंदन का स्पर्श। आपके घर में पितृ दोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, आपको लगता है, तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, मान लो अपन अमावस्या पड़ी, आप एक अंदाजा लगाइए, तो जिस दिन अमावस्या रहे उस दिन चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए महाराज, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रख कर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर जला दीजिए, और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छाओं में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर मान लो पितर आपको कष्ट दे रहे हैं, पितर आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं, अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं, अमावस्या के दिन उसको रख कर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, नवरात्रि लग गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया, अर्थात उससे देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृदोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, कार्य में सिद्धता आ जाती है। मान लो अगर पितृदोष है तो करो, नहीं है बड़े अलमस्ती से रहो, तो ये पितृदोष का स्मरण। तो यहाँ शास्त्र कह रहे हैं कि पितरों का जो लोक होता है, पितर जो लोक होता है, उस पितृ लोक में 64 योगिनियां प्रवेश नहीं करती। शिव महापुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है, एक छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा। मान लो आपको लग रहा है कि आपके घर में पितृदोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, अमावस्या पड़ती है, चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए मान, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रख कर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर जला दीजिए, और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छाओं में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर मान लो पितृ आपको कष्ट दे रहे हैं, पितर आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं, अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं, अमावस्या के दिन उसको रख कर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़क गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया, अर्थात उससे देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृदोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। अमावस्या के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर अवश्य जला कर आ जाना, सारे पितृ दोष समाप्त हो जाएगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो हमारी फुल वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।